हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेस्ट मटेरियल से, यानी कि हमारे पास ये वेस्ट कपड़ा पड़ा था उससे टॉप, ये हमारा लहंगे के ऊपर चल जाएगा। मैंने लहंगे की वीडियो और एक टॉप की वीडियो अपनी पहली वीडियो में दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ले लिया है मैंने अस्तर, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे वाला मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है 1 इंच और ऊपर वाला कम। ऊपर वाले हमें जो पार्ट हमने फोल्ड किया है उसे हमें 1 इंच कम रखना है। यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 7.5 इंच। आप अपनी बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग लंबाई को रख सकते हैं, या आप जितना लंबा बनाना चाह रहे हैं लंबाई में उतना रख सकते हैं। इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेंगे अपने। ये हमारे लहंगे पर काफ़ी अच्छा लगेगा, जो हमने इसका लहंगा बनाया है बेबी का। यहाँ से मैं ले रही हूँ इसे 3 इंच और हमने गले की लंबाई ली थी 1.5 इंच। इस तरीके से परफेक्टली इसे मार्क कर लें। अब मैं शोल्डर के लिए यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 4.5 इंच पर, और मैं मुड्ढा ले रही हूँ। यहाँ पे छोटे बेबी का बना रहे हैं, 2 ईयर 3 ईयर बेबी का, तो यहाँ पे मैंने मुड्ढा लिया है 4 इंच। 4 इंच बिल्कुल अच्छे से फिटिंग का और अच्छा मुड्ढा रहता है। इस तरीके से अब हम इसे मार्क कर लेंगे। 1 साइड शोल्डर टॉप बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये बच्चों पे काफ़ी अच्छा लगता है और स्मार्ट लुक देता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। मैंने यहाँ पर 3 इंच का मार्क किया है गले की साइड से। यहाँ से अब हम 1.5 इंच लेंगे इस तरीके से, अब हम यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से अब हम अपने मुड्ढे में गोलाई दे देंगे। टॉप को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने नीचे वाले पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा पीछे आएगा हुक या बटन या जो भी आप लगाना चाहते हैं चटकनी। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग बिल्कुल सिंपल ही है गाइस, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। इस तरीके से अपने कपड़े को जो हमने कटिंग किया है ब्लाउज को, इस तरीके से रखेंगे टॉप को, फिर हम इसमें मार्क कर लेंगे। मैंने यहाँ से 3 इंच लिया है और 3 इंच ही हमारी इसकी लंबाई है। हमने 1.5 इंच रखा था ना गला, तो पूरा 3 इंच हो गया ये। इस तरीके से इसे मार्क करेंगे, पूरा बराबर से होना चाहिए। अब हम 1 साइड शोल्डर बना रहे हैं तो इधर साइड हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम इसको गोलाई दे देंगे अपने गले को इस तरीके से,
परफेक्टली और स्केल रखकर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि हमारा परफेक्ट तरीके से एकदम कटिंग होके आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये लिया है मैंने जो हमारे पास फैब्रिक था, इस तरीके से हमें सीधी साइड ही अपने अस्तर को रखना है, फिर हम बाद में अंदर फोल्ड करेंगे ताकि हमारी टॉप में फिनिशिंग आए, सिलाइयाँ ज़्यादा ना चमकें। इस तरीके से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आलपिंसे से सिक्योर कर लें, अगर कपड़ा इधर उधर हो रहा है तो इससे काफ़ी फिनिशिंग आती है और कपड़ा गलत नहीं कटता। अब इसकी कटिंग कर लें। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, सेम इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों को रखेंगे, आलपिन से सिक्योर करेंगे और कपड़े को अच्छे से सेट करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। आप इसे बच्चों के लहंगे पर क्रॉप टॉप स्कर्ट के रूप में इस टॉप को आप बना सकते हैं। हमारी कटिंग हो गई है। अब मैंने एक पट्टी कट करी है 1.5 इंच की, इसको हम फोल्ड करके सिल लेंगे। 1/2 इंच की हमें सिलाई लगानी है जो हमारे साइड शोल्डर में टॉप में लगेगी, उसके लिए हम पट्टी तैयार कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से इसमें सुई लगाएं, जिस तरीके से हम डोरी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड, और ये बहुत इजीली हो जाएगा। कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आप सुई में धागे 2-3 लेयर डालें, जिससे कि धागा मजबूत हो जाए, और धागे को या तो आप अपने थंब में फंसा सकते हैं फुट के और उसे अच्छे से पलट सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है धीरे धीरे आराम से, ये बहुत ही इजीली हो जाएगा फ्रेंड्स। आराम आराम से इसे प्रेस करते रहें और खोलते रहें। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी बन गई है। अब मैं इस पे भी सिलाई लगा लूँगी। अब अपना टॉप लेंगे, टॉप का हमें नेक सिल लेना है इस तरीके से। पहले हम इसका नेक सिल लेंगे, दोनों आगे पीछे के पार्ट का हम पहले नेक सिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसमें अपनी डोरी अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। देखना डोरी लगा लें एक साइड अपने, जो हमने पट्टी बनाई थी उसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे।
और अपने इस तरीके से बाकी शोल्डर को सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इसे अंदर की साइड खोल लेंगे, कितनी फिनिशिंग आई है हमारे टॉप में, इस तरीके से आएगा ये। एक साइड हमने डोरी लगा ली है अपनी, अच्छे से कोनों को खोल लें। अब मैं अपनी दूसरी साइड डोरी अटैच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से रखें दूसरे पार्ट को सेम, और जैसे जितनी दूरी पर आपने पहले में लगाई थी उतनी दूरी पर ही इसमें भी लगाएं डोरी। इस तरीके से अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे, सेम वही दूरी रखनी है। अब ये जो हमने बैक में 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ी थी, ये हमारी हुक बटन की पट्टियाँ हैं। अब हम इन्हें सिल लेंगे इस तरीके से, हमने इन्हें अलग से नहीं जोड़कर एक साथ ही अस्तर के साथ छोड़ दिया था इस तरीके से। अब इन पर सिलाई लगा लेंगे और बाद में आप अपनी मर्जी से हुक आई या फिर बटन या फिर चटकनी वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ सिल गई हैं। अब हम अपने शोल्डर को भी सिल लेंगे, पहले दोनों आगे के पार्ट को सिलें इस तरीके से, फिर अस्तर को, फिर ये हमारा अंदर की साइड आ जाएगा। फिर अंदर की साइड से हम इसको बराबर से सिल लेंगे और इसे हम फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। इसी तरीके से हम अपने ऊपर के शोल्डर को भी सिल लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इस तरीके से सिलाई लगा लें, इसकी सिलाई भी हमारी अंदर आएगी। ये देखिए इस तरीके से अब हम खोल लेंगे इसे। कितने अच्छे से इसमें सिलाई लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कोटी बराबर से सिल गई है। अब हम अपनी साइडों को भी सिल लेंगे। देखना इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, पहले हमें फ्रंट का फिर अस्तर इस तरीके से सिल लेना है। दोनों साइडों से इसी तरीके से इक्वल सिल लें। दोनों साइड सिलाई लगा ली है।
अब हम अपने शोल्डर नेक पर एक सिलाई लगा लेंगे पट करके, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लें। जहाँ हमने अस्तर में कट दिया था 2 इंच पे, इस तरीके से वहाँ पर अपनी 2 इंच की मार्किंग कर लें और डट लगा दें। यहाँ पर हम 2 इंच पे डट लगा लेंगे, डट भर लेंगे। 1-1 इंच की हमें डट भरनी है। अगर आपकी मर्जी ना हो तो आप रहने भी दे सकते हैं, पर इससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है, बस इसमें हमारा नीचे का वर्क रह गया है अब जो हमें करना है। लहंगे के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, स्कर्ट लहंगे के साथ में। अब मैं ये साइडों से कट कर कर मैंने यहाँ पर इंटरलॉक की है। अगर आपको अंदर फोल्ड करना हो तो आप इसको 1 इंच पहले से ही एक्स्ट्रा रखें। मैंने, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने अब यहाँ पर इंटरलॉक कर ली है। क्योंकि हमने ये बचे हुए कपड़े से ही टॉप बनाया है इसलिए कपड़ा थोड़ा कम था। यहाँ पर इंटरलॉक करके अब मैंने इस पर एक लेस लगाई है। इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे देंगे। मेरे पास ये लेस रखी थी, इस तरीके से मैंने साइड में नीचे की साइड ये लेस लगा दी है पूरे पर, और ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। हमारी टॉप कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट करा है कम कपड़े में ही, और ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। लहंगे स्कर्ट पर काफ़ी अच्छी लगेगी। आप इसमें पीछे हुक, बटन या फिर चटकनी कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लें और इसमें काफ़ी फिनिशिंग से हमने वर्क किया है। देखिए कहीं से भी हमारी सिलाई अस्तर नहीं निकल रहा है। मैंने इसके लिए लहंगा अपनी पहली वीडियो में बनाया था और एक टॉप भी शेयर किया था, आप वहाँ से जाकर वो भी देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ये इस लटकन का भी और लहंगे का भी। मैंने इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की वीडियो अलग से डाली हुई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।